नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पेरोल प्रोसेसिंग का चौथा वीडियो। इससे पहले स्टेप थ्री में हमने पे हेड्स क्रिएट करना सीखा था और विशेष तौर पर हमने अर्निंग पे हेड्स के बारे में जाना था कि एम्प्लॉय की सैलरी में जो भी अर्निंग पे हेड्स होते हैं उन्हें हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। उससे पहले हमने सीख लिया है एम्प्लॉय मास्टर्स क्रिएट करना और पेरोल मास्टर्स क्रिएट करना। यदि अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस के लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन्हें वहां जाकर पहले ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम थर्ड स्टेप जिसमें पे हेड्स क्रिएट करना सीख रहे हैं उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं डिडक्शन पे हेड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पेरोल प्रोसेस करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से अर्निंग पे हेड्स और डिडक्शन पे हेड्स शामिल होते हैं। पिछले वीडियो में हम अर्निंग पे हेड्स के बारे में जान चुके हैं, आज की वीडियो में हम डिडक्शंस के बारे में जानेंगे। ऐसी सभी कटौतियाँ जो सैलरी में से सामान्य रूप से एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती हैं। अब डिडक्शंस भी दो तरह से होते हैं, एक तो ऐसे डिडक्शंस जो एम्प्लॉई जनरल डिडक्शंस कहलाते हैं और कुछ ऐसे डिडक्शंस होते हैं जिन्हें हम स्टेचुरी डिडक्शंस कहते हैं, जैसे कि कैंटीन डिडक्शंस। यदि हमारी कंपनी के द्वारा कोई मेस चलाई जाती है या कैंटीन की फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है तो कैंटीन का जो पैसा है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है, जिसे हम कैंटीन डिडक्शन कहते हैं। और इसी तरह से यदि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस सैलरी देती है या लोन की फैसिलिटी देती है तो लोन का जो पैसा होता है या एडवांस सैलरी का जो पैसा होता है वो भी एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है। तो आइए चलते हैं टैली में और देखते हैं कि जनरल डिडक्शन से संबंधित पे हेड्स हमें किस तरह से क्रिएट करने हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। दोस्तों, डिडक्शन से संबंधित पे हेड्स क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर खड़े रहते हुए पेरोल इन्फो में जाना है, जहाँ हमें जाना है पे हेड्स में। यहाँ मैंने आपके लिए डिडक्शन से रिलेटेड कुछ पे हेड्स क्रिएट किए हैं, जैसे कैंटीन डिडक्शन। कैंटीन से संबंधित जो डिडक्शन होगा वो हमें डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय पे हेड में लेना है, क्योंकि ये हमारी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है। कंपनी के लिए इसे हमें करंट असेट मानना है, तो ग्रुप यहाँ हमें करंट असेट सेलेक्ट करना है। ये हमारी नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा, इसलिए अफेक्ट नेट सैलरी ऑप्शन को यस रखना है। और हमें अपनी पे स्लिप में कैंटीन डिडक्शन को किस नाम से प्रिंट करना है वो हमें यहाँ नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप ऑप्शन पर फिल करना है। इसका जो कैलकुलेशन टाइप रहेगा वो एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू रहेगा। जब हम सैलरी प्रोसेस करेंगे तो वहीं हम कैंटीन डिडक्शन का अमाउंट फिल आउट करेंगे, देन आप इसे सेव कर लीजिएगा। इस तरह से एक डिडक्शन और मैंने बनाया है, सैलरी एडवांस डिडक्शन। यदि एम्प्लॉयज़ को सैलरी एडवांस दी जाती है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। इसे हमें लोन एंड एडवांसेस पे हेड टाइप में रखना है और ग्रुप जो रहेगा इसका वो रहेगा लोन एडवांस असेट्स। इस तरह से ये हमारी नेट सैलरी को अफेक्ट करने वाला है। पे स्लिप में हम सैलरी एडवांस डिडक्शन के नाम से इसे प्रिंट करने वाले हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन टाइप में एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू भी आप ले सकते हैं और फ्लेट रेट भी ले सकते हैं। यदि आप एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू रखते हैं, इट मीन्स एम्प्लॉय के द्वारा कितना एडवांस का रीपेमेंट किया गया है उसका अमाउंट हम सैलरी बनाते समय फिल आउट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप एडवांस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करने वाले हैं या लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं तो आपको ईएमआई निकालनी होगी और जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट आ रही है उसका यूज़ करना होगा, और उसके लिए हमें कैलकुलेशन टाइप फ्लेट रेट रखना है। यदि आप इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो आपको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शंस टैली में से एक्टिवेट करने होंगे, जो आपको अकाउंटिंग फीचर में मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू लेते हुए इस ऑप्शन को सेव कर रहा हूँ। तो ये आपने दो प्रकार के जनरल डिडक्शंस देखे हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेचुटरी डिडक्शंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉई डिडक्शंस पे हेड में पहले हमें कुछ जनरल डिडक्शंस के पे हेड क्रिएट करने होते हैं और उसके बाद हमें कुछ स्टेचुटरी डिडक्शंस के पे हेड क्रिएट करने होते हैं। जो पहला डिडक्शन इसमें होता है वो होता है इनकम टैक्स डिडक्शन पे हेड। इसके बारे में मैं आपको टैली में किस तरह से इसे क्रिएट करना है वो जानकारी अभी देने वाला हूँ, लेकिन पहले हम पे हेड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पे हेड इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए बनेगा और सेकंड जो पे हेड हमें क्रिएट करना है वो है एम्प्लॉई पीएफ डिडक्शन पे हेड। पीएफ प्रोविडेंट फंड हमें एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट करना होता है, उसके लिए हमें इसकी कैलकुलेशन जाननी होगी।
प्रोविडेंट फंड जिसे हम भविष्य निधि भी कहते हैं, वास्तव में इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से 12% पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉई भी अपनी सैलरी में से 12% पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है। ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ये बेसिक सैलरी पर दिया जाता है। यदि बेसिक के साथ एम्प्लॉई को डीए दिया जा रहा है या कोई स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है तो इन सभी की टोटल का 12% पीएफ में कंट्रीब्यूट किया जाता है। उन सभी कंपनीज में एप्लीकेबल होता है जहां पर 20 और मोर एम्प्लॉयज होते हैं और ऐसे एम्प्लॉयज का पीएफ डिडक्शन होता है जिनकी बेसिक सैलरी या बेसिक प्लस डीए प्लस स्पेशल अलाउंसेस लेस देन 15,000 पर मंथ हो। दोस्तों इसकी कैलकुलेशन हमें समझनी होगी क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के अकाउंट्स का यूज किया जाता है। पहला जो अकाउंट इसमें यूज होता है वो होता है अकाउंट नंबर 1 पीएफ कंट्रीब्यूशन अकाउंट, जिसमें एम्प्लॉई अपनी सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है और जो एम्प्लॉयर होता है वो पीएफ कंट्रीब्यूशन अकाउंट जिसे पीएफ अकाउंट नंबर 1 कहा जाता है उसमें 3.67% कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह से एक अकाउंट नंबर और होता है अकाउंट नंबर 10 जिसे ईपीएस अकाउंट कहा जाता है। ये वास्तव में एम्प्लॉई पेंशन स्कीम का फंड होता है और इसमें एम्प्लॉयर 8.33% कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉई का जो पूरा शेयर होता है वो पूरा शेयर पीएफ में चला जाता है, जबकि एम्प्लॉयर का 3.67 पीएफ में जाता है और 8.33% ईपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन यदि हम डिटेल में चलते हैं इसके तो वास्तव में एम्प्लॉयर 13.61% कंट्रीब्यूट करता है, इट मींस 1.61% ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जबकि एम्प्लॉई केवल 12% ही कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर के द्वारा पीएफ एडमिन अकाउंट में जिसे हम अकाउंट नंबर 2 कहते हैं उसमें 1.10%, अकाउंट नंबर 21 जिसे EDLIS अकाउंट कहते हैं एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम उसमें 0.50% और अकाउंट नंबर 22 EDLIS एडमिन अकाउंट जिसमें 0.01% कंट्रीब्यूट किया जाता है। कुल मिलाकर एम्प्लॉयर 1.61% ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉई 12% ही कंट्रीब्यूट करता है। आज के वीडियो में हम केवल डिडक्शंस की बात करने वाले हैं, इसलिए हम एम्प्लॉई की सैलरी में से 12% किस तरह से हमें डिडक्ट करना है और उसके लिए किस तरह से हम पेहेड बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम स्टेचुटरी कंट्रीब्यूशंस पेहेड क्रिएट करना सीखेंगे, तब हम इन सारे पेहेड के बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह से एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन ईपीएस में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पेहेड होता है वो होता है ईएसआई डिडक्शन पेहेड, ये भी एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसे कहा जाता है। दोस्तों ये एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस और ओवरटाइम, यदि ये सारी चीज़ें उसे दी जा रही हैं तो उस पर हमें ईएसआई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। यदि आप अपने एम्प्लॉयज़ को केवल बेसिक सैलरी दे रहे हैं तो केवल बेसिक सैलरी पर हमें ईएसआई डिडक्शन अप्लाई करना होता है। अब ईएसआई में भी आपको ध्यान रखना होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 4.75% ऑफ ग्रोथ सैलरी होता है, जबकि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 1.75% ऑफ ग्रोथ सैलरी होता है। इसमें भी ये उन्हीं कंपनीज में अप्लाई होता है जहां इफ अ कंपनी हैज 20 और मोर एम्प्लॉयज, जहां 20 और ज्यादा एम्प्लॉयज हैं हु हैव अ ग्रोथ सैलरी ऑफ लेस देन ₹21,000, पहले 15,000 पर मंथ था ये, अब इसकी लिमिट बढ़ाकर ₹21,000 पर मंथ कर दी गई है। यानी जिन एम्प्लॉयज की सैलरी ₹21,000 से कम है उन्हीं के लिए ईएसआई की फैसिलिटी दी जाती है। पीएफ और ईएसआई एम्प्लॉय चाहे तो वॉलंटरी भी डिपॉजिट करवा सकता है, लेकिन अभी हम जनरलाइज वे में पीएफ और ईएसआई की बात कर रहे हैं और यहाँ जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने पेएड्स क्रिएट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो पेएड होता है वो होता है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन पेएड, जिसे पीटीबी कहा जाता है, प्रोफेशनल टैक्स। दोस्तों ये प्रोफेशनल टैक्स अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करती है, कुछ स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है और कुछ स्टेट्स में ये एप्लीकेबल नहीं है। वास्तव में ये इनकम टैक्स की तरह ही होता है, बस इनकम टैक्स को हमें रिटर्न फाइल करना होता है और इसका कोई रिटर्न फाइल नहीं होता है, ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है या एम्प्लॉय को डायरेक्टली डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उन पर भी ये अप्लाई होता है, जैसे डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, और ये उन सभी एम्प्लॉयज़ पर अप्लाई होता है चाहे वो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। सभी तरह के एम्प्लॉयज़ पर स्टेट गवर्नमेंट इसे अप्लाई करती है। अलग अलग स्टेट में इसकी अलग अलग कंडीशंस हैं। मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सपोज अप टू ₹15,000 तक कोई प्रोफेशनल टैक्स आपको नहीं देना है और अबाउ ₹15,000 ₹200 पर मंथ प्रोफेशनल टैक्स के थ्रू आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा।
दोस्तों ध्यान रहे, ये केवल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं। हमारे राजस्थान में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो पे हेड आता है वो है एम्प्लॉई एनपीएस डिडक्शन पे हेड, एनपीएस जिसे नेशनल पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, या आप यूँ समझ लीजिए कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो सिस्टम है उसे टीयर वन अकाउंट कहा जाता है, और इसमें जितना भी डिडक्शन होता है या जितना भी एम्प्लॉई अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवाता है, वो पैसा आप प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं कर सकते। जब मैच्योर हो जाएगा उसके बाद ही आप इसमें से पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई करता है उसका डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में मिल जाता है। ये जनरली 10% ऑफ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस का दिया जाता है। और दूसरा जो सिस्टम होता है जिसे टीयर 2 अकाउंट कहते हैं, इसमें टीयर 1 अकाउंट के साथ साथ एम्प्लॉय चाहे तो वॉलंटरी टीयर 2 अकाउंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इट अलाउज विड्रॉवल एट द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय, जब चाहे तब इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकता है। लेकिन इसका जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है उस कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन हमें इनकम टैक्स में अवेलेबल नहीं होता। तो इस तरह से ये दो तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम अलग अलग डिडक्शन के पेहेड्स को क्रिएट करेंगे। आइए चलते हैं एक बार फिर से टैली में और देखते हैं इन पेहेड्स को हमें किस तरह से क्रिएट करना है। इसमें सबसे कॉमन डिडक्शन टाइप है इनकम टैक्स। यदि हमारी एम्प्लॉइज की सैलरी में से इनकम टैक्स डिडक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इनकम टैक्स पेहेड क्रिएट करना है और इसे रखना है एम्प्लॉइज स्टेचुटरी डिडक्शन पेहेड में। और इसका जो टाइप रहेगा टैली यहाँ हमें डिस्प्ले करेगा इनकम टैक्स हेड, डिडक्शन का जो टाइप है उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा। देन कंपनी के लिए ये लाइबिलिटी होगी इसलिए इसे हमें करंट लाइबिलिटीज में रखना है। देन अफेक्ट नेट सैलरी, इसे यस रखना है। पे स्लिप में हम इनकम टैक्स के नाम से ही इसे प्रिंट करने वाले हैं। और कैलकुलेशन टाइप में बाय डिफॉल्ट एज पर इनकम टैक्स स्लिप ऑप्शन ही रहेगा। कैलकुलेशन पीरियड में हम मंथली ले सकते हैं, और यदि आप सैलरी डे वाइज देने वाले हैं तो डे भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने इसे मंथली लिया है। राउंडिंग में आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिक ही अपवर्ड राउंडिंग आ रही है। इनकम टैक्स में अपवर्ड राउंडिंग का यूज़ किया जाता है। लिमिट ऑटोमेटिक सेट है और आप इसे सेव कर लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेचुटरी डिडक्शन का पहला हेड क्रिएट किया हमने, इनकम टैक्स। नेक्स्ट अपना डिडक्शन आ रहा है एम्प्लॉई पीएफ डिडक्शन। जब हम इसका पे हेड क्रिएट करेंगे तो इसे हमको रखना होगा एम्प्लॉयज स्टेचुटरी डिडक्शन पे हेड में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉय का जो डिडक्शन होगा उसे हमें पीएफ अकाउंट नंबर 1 में इंक्लूड करना है। इसलिए यहाँ हमें स्टेचुटरी पे टाइप पीएफ अकाउंट नंबर 1 लेना है। देन ये कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी है इसलिए इसे हम करंट लाइबिलिटीज ग्रुप में रखेंगे। नेट सैलरी को ये अफेक्ट करने वाला है। हमारी पे स्लिप में हम ईपीएफ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एट द रेट 12% प्रिंट करने वाले हैं। कैलकुलेशन टाइप बाय डिफॉल्ट एज कंप्यूटेड वैल्यू रहेगी। कैलकुलेशन पीरियड मंथ रहेगा। राउंडिंग में हम नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 रखेंगे। और हमें कंप्यूट करना है इसलिए हमें मेथड ऑफ कंप्यूटेशन रखना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। जैसे हम इसे एंटर करेंगे या हमें पेहेड्स एड करने होंगे। जनरली बेसिक सैलरी का 12% हमें डिडक्ट करना होता है, लेकिन यदि हम अपने एम्प्लॉयज़ को डीए भी दे रहे हैं तो डीए वाला हेड उसे भी आप एड कर लीजिएगा। यहाँ दोस्तों हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप जब भी पेहेड्स इंक्लूड करें तो उनका जो ऑर्डर रखेंगे आप वो इस तरह से रखेंगे कि बेसिक सैलरी को सबसे पहले रखिएगा और उसके बाद डीए डीएनएस अलाउंस, क्योंकि हमने जब डीए का पेहेड क्रिएट किया था तो डीए को हमने रखा था बेसिक सैलरी पर। और यदि हम डीए को पहले रख देंगे और बेसिक सैलरी को बाद में रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारी परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि डीए जो था वो बेसिक सैलरी पर डिपेंडेंट था। इसलिए उसका ऑर्डर भी हमें इसी तरह से रखना है। इन दोनों पेहेड्स को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। यदि आपके कंपनी में केवल बेसिक सैलरी है, डीए नहीं है, तो आप इसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों को रखने के बाद इफेक्टिव फ्रॉम, आप डेट भी जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं कब से आपको ये डिडक्ट करवाना है। देन परसेंटेज लेते हुए हम 12% यहाँ पर सेट कर देंगे। पीएफ में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा डिडक्शन के रूप में वो 12% रहेगा और हम इसे सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा डिडक्शन टाइप आएगा एम्प्लॉय ईएसआई डिडक्शन एट द रेट 1.75%। दोस्तों आज हम केवल डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉय की सैलरी में से जो जो डिडक्ट होने वाला है उन्हीं पेहेड्स को हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ हम पेहेड टाइप में एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शन लेने वाले हैं। देन स्टेचुटरी पे टाइप में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा।
उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये भी कंपनी के लिए लाइबिलिटी होगी, इसलिए करंट लाइबिलिटी में से हम रखेंगे। नेट सैलरी को ये अफेक्ट करेगा और पे स्लिप में हम ESI डिडक्शन एट द रेट 1.75% यूज़ करने वाले हैं। एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना है हमें, कैलकुलेशन का टाइप और नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1। यहाँ जब हम स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेंगे तो ESI डिडक्शन जो होगा वो बेसिक सैलरी, DA, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस, ओवर टाइम, इन सब पर कैलकुलेट किया जाता है। आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग इनमें से जो भी पे हेड आपके वहाँ यूज़ होते हैं उन्हें रखिएगा, अदरवाइज आप बेसिक सैलरी पर भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो परसेंटेज रहेगा वो 1.75% रखना है और इसे सेव कर लेना है। नेक्स्ट हमारा डिडक्शन पे हेड है एम्प्लॉई NPS डिडक्शन टीयर 1 एट द रेट 10%। इसे भी हमें एम्प्लॉई स्टेचरी डिडक्शन में रखना है। देन स्टेचरी पे टाइप में आपको दो पे टाइप दिखाई दे रहे हैं, नेशनल पेंशन स्कीम टीयर 1 और नेशनल पेंशन स्कीम टीयर 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था टीयर 1 और टीयर 2 के बारे में, तो यहाँ हम टीयर 1 की बात करने वाले हैं। यदि आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉइज टीयर 2 में भी इंटरेस्टेड हैं और वो टीयर 2 में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप सेम टीयर 1 की तरह ही टीयर 2 पे हेड भी क्रिएट कर सकते हैं। इसे भी हमें करंट लाइबिलिटीज में रखना है क्योंकि ये भी एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होने वाला है। देन हमें पे स्लिप पे क्या प्रिंट करना है उसे हम टाइप कर देंगे। कैलकुलेशन का जो टाइप है उसे हम एज कंप्यूटेड वैल्यू रखने वाले हैं। आप चाहें तो एज यूजर डिफाइंड वैल्यू या फ्लैट रेट भी आप रख सकते हैं। यहाँ मैं कंप्यूटेड वैल्यू ले रहा हूँ, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, और इसे हमें कैलकुलेट करना है बेसिक सैलरी और DNS अलाउंस इफ एप्लीकेबल। देन परसेंटेज का हम रखने वाले हैं 10% और इसे हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट हमारा डिडक्शन पीरियड आ रहा है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन। दोस्तों यदि आपके स्टेट में एप्लीकेबल है तो आप इसे क्रिएट कीजिएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन को भी हमें एम्प्लॉई स्टेचरी डिडक्शन पे हेड में रखना है और यहाँ हमें पे टाइप में प्रोफेशनल टैक्स सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप प्रोफेशनल टैक्स सेलेक्ट करेंगे टैली आपसे उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी कंपनी का आप यहाँ टाइप करते हुए इसे करंट लाइबिलिटीज में रखिएगा। देन अफेक्ट नेट सैलरी यस, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन जो पे स्लिप में हम प्रिंट करेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू मंथली कैलकुलेशन पीरियड लेते हुए राउंडिंग को नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, और इसे हमें कंप्यूट करना है ऑन करंट अर्निंग सब टोटल्स, इस ऑप्शन को आपको यूज करना है। देन जैसा कि मैंने आपको रेंज बताया था कि इसमें हम लोग रेंज सेट करते हैं और यहाँ हमने एग्जाम्पल की फॉर्म में अप टू 15,000 तक सैलरी होने पर हमें कोई भी प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। उसके लिए परसेंटेज जगह हम लेंगे वैल्यू और उसमें जीरो यानी नील इनपुट कर देंगे, और 15,000 से अबे होने पर 200 rupees पर मंथ के अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉय की सैलरी से अमाउंट डिडक्ट करना है। वो वैल्यूज़ यहाँ सेट करने के बाद इसे भी हम सेव कर लेंगे। तो दोस्तों जितने भी डिडक्शन के टाइप थे, चाहे वो जनरल डिडक्शन हो चाहे वो स्टेचरी डिडक्शन हो, उन सब के पेहेड्स हम क्रिएट कर चुके हैं। हमने अर्निंग पेहेड्स और डिडक्शन से संबंधित सभी पेहेड्स क्रिएट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम कंट्रीब्यूशन से संबंधित पेहेड्स को क्रिएट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।